जयगांव के एनएस रोड झरना बस्ती इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार को सहयोग करने के लिए जयगांव भोजपुरी युवा मंच सामने आया है। ज्ञात हो कि लगातार हो रही बारिश, पानी और निकासी अव्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण जयगांव के एनएस रोड झरना बस्ती इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार का घर का वॉल टूट गया था, जिसके बाद घर में पानी और मिट्टी घुस जाने से उनका सब कुछ तबाह हो गया था। शर्मा परिवार की इस समस्या को जयगांव टुडे के द्वारा दिखाया गया था, जिसके बाद इस परिवार को सहयोग करने के लिए विभिन्न संघ संस्था आगे आ रहे हैं। इस जगह आज भोजपुरी युवा मंच जयगांव शाखा के सदस्यों के द्वारा पहुंच परिवार को राशन सामग्री देकर सहयोग किया गया। भोजपुरी युवा मंच जयगांव शाखा के सभापति सुबोध प्रसाद ने कहा कि आज इस खबर को जयगांव टुडे में देखने के बाद यहां आकर इस परिवार की समस्या को देखा और समझा गया था, जिसके बाद इस परिवार को संस्था के ओर से राशन सामग्री जैसे एक बोरा चावल, एक बोरा आटा, एक बोरा प्याज, एक बोरा आलू, 5 लीटर सरसों तेल के अलावा मसाला आदि दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परिवार को प्रशासन से भी सहयोग मिल सके, इसकी आशा वो करते हैं। इधर पीड़ित परिवार की मां सीता देवी शर्मा ने कहा कि पानी के कारण उनका सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसकी जानकारी जयगांव टुडे के पत्रकार ने जब आज दिखाया, उसके बाद उन्हें विभिन्न जगहों से सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें सहयोग करने वाले सभी को वो धन्यवाद देते हैं। हम लोग अभी यहाँ अपना एक हमारे समाज का एक ये शर्मा फैब्रिकेशन, जो एक समय में काफ़ी नामी फैब्रिकेशन था, अभी उनका हम लोग को आपका ये जयगांव टुडे और अपने समाचार पत्र के माध्यम से आज पता चला कि ये बारिश के कारण इन लोगों का घर वगैरह बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है और इन लोगों को अभी मतलब खाने पीने का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग वही आज आए थे यहाँ निरीक्षण करने, हम लोग अपने भोजपुरी युवा मंच की तरफ से हम लोग का पूरा टीम यहाँ आया था। हम लोग देखे कि वाकई में अभी ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम तो इन ये जो शर्मा परिवार हैं, इन लोगों का खाने पीने का कुछ हम लोग एक बोरा चावल हो गया, एक बोरा आटा हो गया, एक बोरा आलू, एक बोरा प्याज, 5 लीटर ये आपका मस्टर्ड ऑयल और कुछ बिस्किट, चीनी वगैरह वगैरह, मतलब कुछ मसाला वगैरह जो भी बन सकता है वो सब हम लोग अभी, ताकि ये लोग अपना जीवन यापन ठीक से कर सके, खाने पीने कम से कम ठीक से अपना कर सके, इसलिए हम लोग अपने भोजपुरी मंच की तरफ से कुछ हम लोग यहाँ सहयोग देने आए थे और बाद बाकी आगे देखते हैं और क्या हो सकता है और आगे भी हम लोग इस तरह के इन लोग का जिससे ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग इसमें सहयोग करने की कोशिश करें। नहीं, प्रशासन से हम यही चाहते हैं या यही गुहार लगाना चाहते हैं कि देखिए ये जो ये पानी आता है ये कोई एक टाइम या कभी, ये हर साल का ये कहानी है, इस तरह का हर साल होता है। तो जो भी जो पानी कहीं से भी आता है, जो नदी नाला तोड़ के जो हमारे ये जो परिवार हैं इन लोगों का इतना क्षति करता है, उस पर ध्यान दे, उसको ठीक ठाक करे। और ये क्या है कि अपना जो जिनका जिनका भी घर टूट गया है या इस तरह का जिन्हें प्रॉब्लम हुआ है उसे क्षतिपूर्ति के लिए कुछ सहयोग करें। हमारे ये क्या नाम है आपका, या तो प्रधान हो या अपना BDO हो या जहाँ से भी हो सके, हम प्रशासन से भी चाहते हैं कि वो लोग भी आगे आए, इन परिवार को कुछ मदद करें ताकि ये लोग अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी प्रशासन से, BDO से, प्रधान से, DM से, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका यहाँ आके निरीक्षण करें और इनको जो भी मदद आपके तरफ से हो सके उनको आके मदद दें। और मैं बाकी संस्थाओं से भी अनुरोध करूंगा कि उन लोग भी अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो सके इनको सहयोग देने का कष्ट करें। धन्यवाद।